बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और ये अच्छी खबर है आईसीए वालों की, जीटीआर वालों की, कि अब आज जो है वो 3 अगस्त शुरू हो गया है। आपको मालूम है कि दुबई में और छुट्टियां भी अब ख़त्म हो गई हैं, और अब आपको इंशाअल्लाह ताला ने चाहा बस 1-2 दिन के अंदर अंदर आप लोग अब जब अप्लाई करेंगे आईसीए में या जीटीआरएफ में, आपकी अप्रूवल आना शुरू हो जाएगी। वो अपना सिस्टम जो अपडेट कर देंगे। और क्योंकि एमरेट से लाइन वाले कहते थे कि सिर्फ उन्होंने सिस्टम इसलिए स्लो किया हुआ है कि ईद की छुट्टियों में अगर लोग आ भी जाएंगे तो उन्होंने अपने जो है वो घूम फिर तो नहीं सकते ना, जा तो नहीं सकते कामों पर, तो इसलिए तो उन्होंने कहा कि ईद के बाद जो है ना लोगों की अप्रूवलें ज़्यादा तेज़ी से अप्रूव होना शुरू हो जाएंगी और रिजेक्ट नहीं होंगी और अप्रूवल भी जल्दी आ जाएगी। तो अब देखिए, एमरेट्स एयरलाइन ने ये कहा था, आज 3 अगस्त है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा 1 या 2 दिन के अंदर आपको जो है वो इसमें अपडेट्स ऐसी तेज़ी नज़र आएगी, आप जब भी अप्लाई करेंगे तो आपको अप्रूवल आना शुरू हो जाएगी। साथ साथ अपने वीज़े का भी स्टेटस पता कर लिया करें, कि कंपनी से भी रबते में रहा करें कि देखें वीज़ा किसी ने कैंसिल तो नहीं किया हुआ, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी अप्लाई करते हैं, बाहर अल्लाह ताला खैर करें अप्लाई करते हैं, 3-4 मरत अप्लाई करते हैं, उनका रिजेक्ट हो जाती है, तो लेकिन उन्होंने जब वीज़ा स्टेटस चेक किया तो उनका वीज़ा कैंसिल कंपनी ने किया हुआ था। अल्लाह ताला आप लोगों के वीज़े की हिफाजत फरमाए और आप खैर खड़िए से दुबई जाएँ। लेकिन ये तो मैं पूरा आपको ऐसे ही बता रहा था, सिर्फ आप मज़ीद परेशान ना हो, सिर्फ आप लोग अल्लाह ताला आपके वीज़े की हिफाजत फरमाए। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला अपडेट आपको फौरी मिल जाए करेगी, आपकी अप्रूवल भी आ जाए करेगी इंशाल्लाह आईसीए में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।